हीच चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है? फाइनली आपका भाई आ गया एक न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, मार्च के अंदर जो पबजी की एनिवर्सरी, उसी के साथ साथ जो है ना, हमें एक अचीवमेंट भी कंप्लीट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अक्सर बंदों का पिछले साल कंप्लीट नहीं होगा जैसा कि ये वाला है, तो अब ये वाला जो है ना, मेरा पिछले साल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, वीडियो का पार्ट मैं इधर दिखाता हूँ। ये वाला टाइटल है जो तुम्हें मिल जाता है, और इसके अंदर जो है ना एक्सिट भी होता है और क्लासिक क्रेडिट्स भी होता है। ठीक है, तो अब ये कुल मिलाकर 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारा कंप्लीट होता है। अगर तुम न्यू प्लेयर हो तो फिर तुम्हारा पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा, और अगर तुमने 2 साल और भी खेला है, ये तुम्हारा 3रा साल है, फिर तुम्हारा ये वाला अचीवमेंट एकदम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ जो है ना, और भी ओल्ड रेयर आइटम जो अक्सर बंदों के पास नहीं है। ठीक है, अब अगर बात की जाए, भाई मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं क्रेट ओपनिंग वगैरह पहले नहीं करता था। तो अब वो वाली चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से आने वाले एनिवर्सरी के। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए भाई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के नाम से, वाला अचीवमेंट तुम्हें जनरल के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस अचीवमेंट के लिए तुमने करना क्या, कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ उस दिन पे तुमने लॉग इन करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, उसी दिन पे जो इसकी एनिवर्सरी है, इधर देख सकते हो 21 मार्च पे अगर तुम गेम एक बार लॉग इन करते हो, इधर जो है ना एक काउंट होता है। कुल मिलाकर 3 साल तुमने यही करना है भाई। ये एक हिसाब से अगर हम हिसाब लगाए भाई, ये जो है ना एक हिसाब से एक रियर आइटम हो गया, मतलब एक रियर अचीवमेंट हो गया, क्योंकि भाई ये 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 3 साल से पहले तुम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो अब ठीक है, वैसा ही मार्च जो है ना फिर से भाई क्लोज आने आ रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है। तो फिर से तुमने 21 मार्च को, उसी दिन पे भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस दिन पे 21 मार्च पे तुमने एक बार लॉगिन करना है गेम, और उसी के साथ साथ अगर तुम्हारा पहला वाला कंप्लीट था, दूसरा वाला हो जाएगा, और अगर दूसरा वाला था तो 3रा वाला हो जाएगा, तुम्हें इसका टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ जो है ना, जैसा कि ये वाली टाइटल की कहानी है, फिर से भाई जो भी एनिवर्सरी की चीज़ें वो फिर से आ रहा है रिटर्न, मतलब वापस ही आ रहा है। तो उनमें से अक्सर चीज़ें जो है ना भाई मेरे भी फेवरेट है, एक व्हीकल का स्किन है वो भी मेरा फेवरेट है, अगर वो मुझे मिल जाए भाई फिर तो मज़े ही मज़े। तो अब उसका जो है ना एक स्पेशल क्रेट आने वाला है पबजी के अंदर, तो अब इसका रिलीज डेट वगैरह कुछ भी भाई अता पता नहीं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वो भी आ जाएंगे भाई इंशाल्लाह 21 मार्च को, क्योंकि भाई 21 मार्च पे जो है ना पबजी की एनिवर्सरी है, और फिर से आ रहा है रेशन एनिवर्सरी की चीज़ें, तो अब जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें आने वाले 21 मार्च पे। ठीक है, तो अब अगर ये जो है ना, ये इसकी लीक्स वगैरह, तो अब इधर तुम देख सकते हो ये गाड़ी का स्किन जो है ना भाई, ये जो मिराडो है, एनिवर्सरी मिराडो, ये जो है ना कोई ज़्यादा रेयर आइटम है, और इतने बंदों के पास हो ही नहीं, तब नहीं लग रहा है कि इतने बंदों के पास ये चीज़ होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, दूसरा वाला सेट भी बेस्ट है जो 1:1 एनिवर्सरी के। ठीक है, और अगर बात की जाए भाई सेकेंड एनिवर्सरी की भी इधर कुछ चीज़ें, ठीक है, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो है ना प्रीमियम के अंदर आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसका हेड गियर जो है ना वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बात की जाए ये वाला UMP जो है ना भाई एकदम अलग टाइप की UMP है। अब तुम बोलोगे कि क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी होता है भाई, मिक्स करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो है ना 1:1 एनिवर्सरी की है, इसके साथ ऑलरेडी होता है किल मैसेज और लूट क्रिएट, और तुम्हें क्या चाहिए, जैसा कि एक AKM भी है। ठीक है, तो अब अगर ये UMP निकल जाए बस वही काफ़ी है, इसके लिए जो है ना एक स्पेशल क्रेट आएगा, और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए भाई सेकेंड एनिवर्सरी का एक बगी का स्किन है, ये भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे भाई हम निकाल सकते थे, रॉयल पास के अंदर भी इसके कुछ ज़्यादा ही आइटम आए थे, और ये पेन का स्किन है सेकेंड एनिवर्सरी का, और ये जो है ना जो पहला हमारा पर्स एनिवर्सरी उसका भी है। ठीक है, और एक बैकपैक का स्किन है, ये प्रीमियम के अंदर आया था, और उसी के साथ 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 अगर बात की जाए ये जो है ना हेलमेट का स्किन है जो एक नॉर्मल सा है, और एक जो है ना बैकपैक और हेलमेट हो गया, और ये जो है ना पैराशूट का स्किन एक हिसाब से सही है, और जो है ना नॉर्मल सी चीज़ें जो और नीचे होते हैं। तो अब अगर बात की जाए भाई पर्स मार्च को हमारे पास आने वाला ये वाला UMP पोस्ट पार्ट का अपग्रेडेड स्किन। ठीक है, तो अब ये जो है ना UC वाला सीन है, इसके अंदर फ्री वाला सीन नहीं है, फ्री वाला सीन इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहला ही था, और वो अचीवमेंट का था। ठीक है, तो अब ये वाला UMP एकदम भाई अलग लुक है इसका, और एकदम मतलब यूनिवर्सिटी टाइप के ये भी बनाई हुई है। ठीक है, और इसके अंदर दिल भी है, देख सकते हो, और अगर बात की जाए भाई फाइनल प्रो का एकदम जहर लग रहा है, मतलब एकदम वन ऑफ द बेस्ट है। तो अभी आ रहे हैं भाई पर्स मार्च को, और इसी के साथ साथ जो है ना 3-4 तक चीज़ें और भी है। ठीक है, जैसा कि बात की जाए एक जो है ना ये वाला एक लेजेंडरी सेट हो गया, और ये जो है ना इसका हेड गियर हो गया, 2 आइटम ये हो गए, और इसके साथ साथ जो है ना एक मेली वेपन का स्किन है, जैसा कि ये वाला मेली वेपन का स्किन एकदम भाई बेस्ट है, और अगर बैकपैक की बात की जाए भाई बैकपैक भी लेवल 3 एकदम बेस्ट लग रहा है। ठीक है, इधर देख सकते हो,
ये रही भाई इसकी कहानी, जो एनिवर्सरी की कहानी है, जो जो चीज़ें हमारे पास फिर से आ रही है एनिवर्सरी की, वो सारे इसके सारे मैंने इधर ही दिखा दिए। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो 1000 लाइक आए लाजमी से कंप्लीट करवा देना जल्दी से जल्दी, और अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ठोक के जाना बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ भाई उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुँच जाए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।